Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the morphology of flowering plant. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. How are you? So start today's topic. So today's topic is the flower. So in this particular video, we discuss each and every concept of the flower. What is the part of flower? And what is endosium, gynosium, calyx, corolla? Each and every thing we cover in this video. And after that, we covered estivation and presentation also in this video. So I hope you are really enjoying this session. So first we read what written in NCERT textbook. After that, we elaborate each and every things related to flowers and other be simple and easy language. So I hope you really enjoy this session. So let's start without wasting any time. So first we read what written in NCERT test. So flower is reproductive unit in the angiosperm. जो हमारा flower होता है उसको हम reproductive unit मानते हैं angiosperm में, है ना? यहाँ पे reproduction से मतलब है इट मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मीन्स है हमारा रिप्रोडक्शन का मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है, क्योंकि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हायर प्लांट में होता है. ठीक है, ए टिपिकल फ्लावर है फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वोरल. एक जो हमारा टिपिकल फ्लावर होता है तो उसमें हमारे चार वोरल होते हैं. वोरल का मतलब होता है हमारा कि हमारा वोरल का मतलब है कि एक डंठल है हमारा, डंठल के चारों तरफ मान लो ये डंठल है तो उसके तरफ चारों तरफ एक पत्तियों का अरेंजमेंट हो, है ना, या किसी का अरेंजमेंट हो उसके चारों तरफ, तो उसको हम वोरल बोलते हैं. जैसे हमारे फ्लावर के डंठल में एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला सब अरेंजमेंट होते हैं, तो इनको हम वोरल बोलते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. ए टिपिकल फ्लावर हैज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वोरल अरेंज सक्सेसफुली ऑन सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसेल. जो फ्लावर का स्टॉक होता है उसको हम पेडिसेल बोलते हैं. फ्लावर का स्टॉक होता है इसको पेडिसेल बोलते हैं. और जो उसका ये मान लो फ्लावर हो गया, फ्लावर का स्टॉक हो गया, ये जो सोलन एंड हो गया इसका, यहाँ पे जो सोलन एंड हो गया ये हमारा मान लो थैलमस है. ठीक है, थैलमस है ये, इसको जो हम बोल देंगे स्टॉक ऑफ फ्लावर है तो इसको बोलेंगे पेडिसेल. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेडिसेल और इसको हम बोलते हैं थैलमस, इसको हम बोलते हैं थैलमस. अभी है ना, ये जो सोलन एंड है ये हमारा, इसको थैलमस और रिसेप्टिकल्स बोलते हैं. रिसेप्टिकल्स का मतलब इसमें कोई चीज़ आएगी, है ना, रिसेप्टिकल्स रिसीव करना. ठीक है, दीज आर कैलिक्स. जो हमारे फोर वोरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमको बताया गया कि फोर वोरल होते हैं, उसमें होते हैं कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंडोसियम होता है और गाइनोसियम होता है. जो कि हमारा कैलिक्स और करोला होता है वो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं. कैलिक्स और करोला जो होते हैं हमारे वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब वो सहायक होते हैं, है ना. वाइल एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जो हमारे एंडोसियम और गाइनोसियम होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. तो हमारा जो एंडोसियम होता है ये मेल का है, है ना, मेल का है, मेल इस ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और जो गाइनोसियम होता है वो हमारा गाइनी फीमेल वर्ड से रिलेटेड है, है ना, तो ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. ठीक है, इन सम फ्लावर लिली, जो हमारा लिली फैमिली होता है, लिलियेसी फैमिली होती है, उसके फ्लावर्स होता है, लिली फ्लावर जो होता है उसमें कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, नॉट डिस्टिंक्ट, है ना. कैलिक्स और करोला जो होते हैं उसमें अलग अलग नहीं होते, यानी लिली फ्लावर में हमारे कैलिक्स और करोला जो होते हैं नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्मेट. जो हमारे कैलिक्स करोला अलग अलग नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ कंडीशन बोलते हैं, है ना. जब कैलिक्स और करोला यूनाइट हो तो उसको हम पेरियंथ कंडीशन बोलते हैं, यानी कैलिक्स प्लस करोला जब यूनाइट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ. ठीक है, पेरियंथ कंडीशन हमारे लिलियेसी फैमिली में देखी जाती है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे. ठीक है, व्हेन फ्लावर बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जब हमारे फ्लावर में एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. जो हमारा एंडोसियम होता है वो हमारा मेल का स्ट्रक्चर होता है, जो गाइनोसियम होता है वो हमारे फीमेल का स्ट्रक्चर होता है.
फीमेल का स्ट्रक्चर होता है। जब हमारा मेल और फीमेल दोनों एक में पाए जाते हैं, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बाईसेक्सुअल। बाई मतलब दो, सेक्सुअल से रिलेटेड हमारा सेक्सेस, यानी दो सेक्सेस एक में ही पाए जा रहे हैं, तो उसको हम बाईसेक्सुअल बोलते हैं। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन, अगर हमारे फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है, स्टेमन जो होता है वो हमारी यूनिट होती है एंड्रोसियम की, एंड्रोसियम की यूनिट होती है, और एंड्रोसियम जो होता है वो हमारा मेल का पार्ट है, ठीक है ना, मेल का पार्ट है। और जो हमारा कार्पल होता है, कार्पल को हम और बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी होती है, ये हमारी होती है गाइनोसियम, यानी फीमेल से रिलेटेड है, यानी फीमेल का पार्ट है, ठीक है। अगर हमारे एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में, तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अगर हमारे स्टेमन हो, या हमारा स्टेमन अकेले हो, या हमारी ओनली कॉर्पल हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्सेस, ठीक है, एक सेक्सुअल यानी एक सेक्स है, तो उसमें या तो फीमेल पार्ट हो या तो मेल पार्ट हो, यानी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट अलग अलग हो, है ना, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी, अब फ्लावर की भी सिमेट्री होती है, जैसे हमने एनिमल किंगडम में देखा था, है ना, सिमेट्री देखी थी हमने, एक्टिनोमॉर्फिक सॉरी रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये हमने सभी देखी थी एनिमल किंगडम में। तो वही उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है कि सिमेट्री के बारे में, फ्लावर की सिमेट्री क्या है, फ्लावर ए सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री या बायलैटरल सिमेट्री है, तो हम देखते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। हमने आपको रेडियल सिमेट्री बताया था एनिमल किंगडम में कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, है ना, उसको एक प्लेन डाला गया तो उसको बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, है ना, तो वो हमारा रेडियल सिमेट्री होता था। रेडियल सिमेट्री को यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा नाम दिया गया है एक्टिनोमॉर्फिक, है ना, जिसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और हमारे जाइगोमॉर्फिक को हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री जो राइट और लेफ्ट हाफ में हमको डिवाइड कर रहा था एक पर्टिकुलर प्लेन से, है ना, तो उसको हम बायलैटरल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, इसमें हमको दिया गया है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल रेडियल हाफ इज एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी हमारा कोई इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें जो एक प्लेन सेंटर से पास हो, है ना, कोई एक प्लेन सेंटर से पास हो, मतलब ये है हमारा एक, इसको ये सेंटर हुआ, इससे यहाँ पास हुआ तो राइट लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, इससे कर दिया तो इसका भी, इसको भी डिवाइड कर दिया, यानी इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा, तो इसको हम बोल दें रेडियल सिमेट्री, है ना। इट सेड एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री, है ना, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली, है ना। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसके लिए ट्रिक होगी, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ट्रिक बताते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए जो ट्रिक होगी हमारी सी डी एम ए, है ना, सी डी एम ए हमारी होगी ट्रिक होगी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को याद करने के लिए, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक सी से हो गया हमारा चिली हो गया, सी से हमारा हो गया चिली हो गया, डी से हमारा हो गया धतूरा हो गया, डी से हमारा हो गया धतूरा हो गया, और यम से हमारा जो हो गया मस्टर्ड हो गया, यम से हमारा मस्टर्ड हो गया, और ए हमारा जो हो गया वो किसके लिए हो गया, हमारे किसके लिए ट्रिक याद कर रहे हैं, हम ए से कर रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक की, यानी रेडियल सिमेट्री को हम याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है। हमारी जो एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने के लिए ट्रिक हो गई वो हमारी हो गई सी डी एम ए। सी डी एम ए एक सीम आता था पहले, है ना, सी डी एम ए की सीम, यानी सी से चिली हो गया, डी से धतूरा हो गया, एम से हमारा मस्टर्ड हो गया, और ए हमारा हो गया ए डिनोट फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड दिस। आफ्टर डैट वी डिस्कस जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है ये हम देखेंगे, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक के हमको एग्जांपल बता दिया गया चिली मस्टर्ड धतूरा, है ना, इसी को हमने याद कर लिया सी डी एम ए से। ए डिनोट फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, सी डिनोट फॉर चिली, डी डिनोट फॉर धतूरा, एम डिनोट फॉर मस्टर्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक हमारा क्या होता है, यानी बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, वो हमारा होता है बायलैटरल सिमेट्री, इसमें हमको दिया गया है व्हेन इट कैन डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, यानी जब कोई हमारे फ्लावर को एक वर्टिकुलर प्लेन से सिमिलर हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन से बोला इसमें ओनली वन प्लेन, तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल सिमेट्री। बाई मतलब दो, लैटरल मतलब अगल बगल, ठीक है।
तो इसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं। जाइगोमॉर्फिक के लिए जो हमारी ट्रिक हो गई, जाइगोमॉर्फिक के लिए हमारी जो ट्रिक हो गई, तो जाइगोमॉर्फिक के लिए ट्रिक हम बना लेते हैं ग्रुप पे बी सी। ठीक है, यानी वो ग्रुप कोई भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, या फिर फ्रेंड सर्किल का ग्रुप हो, है ना, तो उसमें जो होती है बहुत बी सी होती है। ये सिंपल है यार, याद कर लेंगे, है ना। जी से हो गया हमारा गुलमोहर, जी से हमारा हो गया गुलमोहर, जी से हमारा हो गया गुलमोहर, पे से हो गया हमारा पी, पी यानी मटर, और बी से हमारा हो गया बीन, बीन हो गया, और सी से हमारा हो गया केसिया, है ना, केसिया जो इसको हमको एग्जांपल दिया गया है, केसिया। तो हमारा हो गया ग्रुप जाइगोमॉर्फिक का ट्रिक हो गया हमारा ग्रुप पे बी सी, यानी ग्रुप गुलमोहर पी बीन केसिया। ठीक है, ग्रुप पे बी सी जाइगोमॉर्फिक का हमारा ट्रिक हो गया। और एक्टिनोमॉर्फिक का ट्रिक क्या था हमारा, एक्टिनोमॉर्फिक का ट्रिक था हमारा सी डी एम ए, है ना, चिली धतूरा मस्टर्ड, और ए डी नोट फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो हमको इसको जाइगोमॉर्फिक के चार ही एग्जाम्पल दिए थे, पी गुलमोहर बीन केसिया। ठीक है, ए फ्लावर जो हमारा फ्लावर हो सकता है वो एसिमेट्रिक हो सकता है, यानी इरेगुलर सिमेट्री हो सकती है, यानी उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जा सकती है ना, एसिमेट्रिकल होता है। तो इसका मतलब होता है इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। जब हमारा जो एसिमेट्रिकल होता है उसका मतलब है उसमें कोई भी प्लेन डाला जाए जो कि सेंटर से पास हो वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल बोलते हैं। जो हमारा इसका एग्जांपल दिया गया है कना दिया गया है, कना एग्जांपल है एसिमेट्रिकल का। ठीक है, एसिमेट्रिक यानी इरेगुलर का। ठीक है, कना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, एक ही है, याद कर लेंगे। ठीक है, ए फ्लावर जो होते हैं हमारे में भी ट्राइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं, पेंटामेरस हो सकते हैं। ट्राइमेरस टेट्रामेरस पेंटामेरस इसे क्यों बोलते हैं ये हम देखते हैं, है ना। फ्लावर में भी ट्राइमेरस टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लावर अपेंडिजेज, यानी फ्लावर के जो अपेंडिजेज होंगे, यानी कैलेक्स होगा, करोला होगा, एंडोसियम होगा, गैनोसियम होगा, ईच एंड एवरी थिंग्स, है ना, दिस कॉल्ड अपेंडिजेज, फ्लावर अपेंडिजेज। ठीक है, जब हमारे फ्लावर अपेंडिजेज आर मल्टीपल, अगर वो थ्री के मल्टीपल है तो उसको बोलेंगे हम ट्राइमेरस, अगर वो फोर के मल्टीपल है, फोर को हम टेट्रा बोलते हैं, तो यानी इसको टेट्रामेरस बोलेंगे। अगर वो फाइव के मल्टीपल है तो उसको बोलेंगे हम पेंटामेरस बोलेंगे, है ना, वो हमारा पेंटामेरस हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, है ना। द फ्लावर फ्लावर विद ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होता है, रिड्यूस लीव फाउंड एट बेस ऑफ द पेडिसल, पेडिसल को जो बोलते थे, स्टॉक ऑफ फ्लावर को बोलते थे पेडिसल, है ना, तो उसको हम ब्रैक्टेड बोलते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, ये फ्लावर विद ब्रैक्ट, मतलब फ्लावर ब्रैक्ट होता है, ये ब्रैक्ट क्या होता है हमारा, रिड्यूस लीफ लाइक लीफ फाउंड एट बेस द पेडिसल कॉल ब्रैक्टिएट, पेडिसल को हम बोलते थे स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम पेडिसल बोलते थे, स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम पेडिसल बोलते हैं, और इसमें रिड्यूस लीफ फाउंड होती है बेस पे पेडिसल के, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और जिसमें ये पाई जाएगी इसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं, और जिसमें ये नहीं पाई जाएगी, ब्रैक्टेड नहीं पाई जाएगी, तो उसको हम ई ब्रैक्टेड बोलते हैं, है ना, ब्रैक्टेड मतलब अब्सेंट होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद हमको ये दिया गया है, हमको ये दिए गए हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन थैलमस हाइपोगैमस पेरीगैमस एपिगैमस, ये हमको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं हमारे। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला एंडोसियम इज रिस्पेक्टेड टू द ओवेरी ऑन थैलमस, यानी हमारा जो ओवेरी होती है, यानी हमारा गाइनोसियम होता है, उसके बेसिस पे, यानी हमारे गाइनोसियम कहाँ पे सिचुएटेड है थैलमस में, और उसके बेसिस पे कैलिक्स करोला एंडोसियम गाइनोसियम कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उसके बेसिस पे हमको पोजीशन बताई गई है फ्लावर की ऑन थैलमस पे। ठीक है ना, तो हमारे इसमें हाइपोगैमस होता है, पेरीगाइनस होता है, और एपीगाइनस होता है, ये हम देख लेते हैं क्या क्या होता है, फिर उसके बाद आपको हम डिटेल डिस्कस करेंगे फिगर से। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला एंडोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवेरी ऑन थैलमस, यानी हमारी जो ओवेरी कहाँ पे थैलमस में सिचुएटेड है, और हमारे कैलिक्स करोला एंडोसियम कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उसके बेसिस पे हम फ्लावर की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं।
है ना। फ्लावर डिस्क्राइब एज हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस होता है, पेरीगाइनस होता है और इपीगाइनस होता है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आप परेशान मत हो, अच्छे से पढ़ें, है ना। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। जो हमारा हाइपोगाइनस क्या होता है, हाइपोगाइनस का मतलब होता है, यहाँ पे हमको दिया गया हाइपो, हाइपो का मतलब होगा नीचे, है ना, हाइपो मतलब लोअर और हाइपर मतलब हायर, है ना। तो यहाँ पे हाइपो जो वर्ड है वो हमारा है कि हमारे जो हैं एंडोसियम, सॉरी कैलिक्स, करोला और एंडोसियम जो होंगे हमारे, वो हमारे ओवेरी से नीचे होंगे, है ना, यानी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से नीचे सिचुएटेड होंगे। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी गाइनोसियम होगा, वो हमारे ऑक्यूपाई हायर लेवल, है ना, जो होगी हाइएस्ट पोजिशन पे होगा। इसका मतलब ये है, तो हम टेस्ट में देख लेते हैं। सो इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑक्यूपाई हाइएस्ट पोजिशन, है ना, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हाइएस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा, वाइल अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो, और जो अदर पार्ट होंगे उसके वो नीचे सिचुएटेड होंगे, यानी गाइनोसियम से नीचे सिचुएटेड होंगे। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो और ऐसे में जब हमारी ओवेरी होगी, ओवेरी जो होगी सच फ्लावर, ओवेरी इन सच फ्लावर इज सेट टू सुपीरियर, सुपीरियर ओवेरी होगी, जो भाई सबसे ऊपर है तो वो सुपीरियर ही है ना, सुपीरियर ओवेरी होगी। तो इसके जो एग्जांपल होते हैं हमारे क्या हैं, मस्टर्ड एग्जांपल दिया गया है, चाइना रोज एग्जांपल दिया गया है, और हमारा एग्जांपल दिया गया है ब्रिंजल। तो यानी हाइपोगाइनस के जो एग्जांपल हो गए हमारे मस्टर्ड, मस्टर्ड चाइना रोज और ब्रिंजल हो गए, है ना, मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल हो गए हमारे हाइपोगाइनस के फ्लावर के एग्जांपल। इसमें जो हमारी होती है ओवेरी होती है हाईएस्ट पोजिशन होती है, हायर पोजिशन पे होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, है ना, ओवेरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। इसमें जो कैलिक्स, करोला और एंडोसियम होते हैं ये हमारे नीचे सिचुएटेड होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। इसके लिए हमको जो ट्रिक है क्या है, इसके लिए ट्रिक हमने बनाई है, हाइपोगाइनस के लिए जो ट्रिक होगी वो क्या होगी हमारी, यम सी बी। एम सी बी जो होता है हमारे घरों पे होता है, जो कि हमारे लाइट में यूज होता है, तो हमारे मेन स्विच होता है एम सी बी, ठीक है। तो वहाँ से होता है, यम से हो गया हमारा मस्टर्ड, ठीक है, सी से हमारा हो गया चाइना रोज, और बी से हो गया हमारा ब्रिंजल, ब्रिंजल ये हमारा जो हो गया ब्रिंजल हो गया, ये हमारा चाइना रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, यम से हमारा हो गया मस्टर्ड हो गया, यम से हमारा मस्टर्ड हो गया। तो हाइपोगाइनस की जो ट्रिक होगी हमारी एम सी बी, यानी मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये इजीली है मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें जो हाइपोगाइनस में हमारी ओवेरी होती है वो सुपीरियर ओवेरी होती है, हम ये याद रखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और पूछता है सुपीरियर ओवेरी या इन्फीरियर ओवेरी है। सुपीरियर ओवेरी का सिंबल क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड द सेंटर, अगर हमारा जो गाइनोसियम है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारा सेंटर पे सिचुएटेड है, एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन रिम, रिम का मतलब होता है किनारा, रिम का मतलब होता है किनारा, रिम का मतलब होता है हमारा किनारा, ठीक है, किनारा ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट्स कॉल्ड पेरीगाइनस। अब आपको सिंपल वर्ड में बताते हैं इसका मतलब क्या है, जो होता है अगर हमारी, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर हमारी जो गाइनोसियम है वो सेंटर पे सिचुएटेड है, एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, जो और अदर पार्ट, दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कैलिक्स, करोला और एंडोसियम है जो हैं वो लोकेटेड हैं रिम ऑफ द थैलेमस, यानी थैलेमस के किनारे, है ना, यानी रिम ऑफ द थैलेमस का मतलब हो गया थैलेमस के किनारे, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, और सेम लेवल पे वो थैलेमस के किनारे एंडोसियम, कैलिक्स और करोला सिचुएटेड हैं, तो उसको बोलते हैं रिम ऑफ थैलेमस पे। तो ये हमारा हो गया पेरीगाइनस का एग्जांपल, यानी इसको बोलेंगे ये हमारा हुआ पेरीगाइनस। तो इस टाइप को अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पेरीगाइनस, है ना, कि हमारी जो गाइनोसियम होगी वो हमारी सेंटर पे सिचुएटेड होगी और अदर पार्ट होंगे वो जो थैलेमस के किनारे पे होंगे सेम लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस, है ना, कॉल्ड पेरीगाइनस। तो इसमें जो ओवेरी होती है, ओवेरी क्या होती है पेरीगाइनस में, ओवेरी हियर सेट बी हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर ओवेरी होती है इसमें, है ना, इसकी ओवेरी होगी वो हाफ इन्फीरियर होगी। अब हम पेरीगाइनस के एग्जांपल कैसे याद करेंगे, तो हमारा वर्ड दिया गया पेरी, पेरीगाइनस इसके नाम पे ही इसके एग्जांपल हैं, है ना, तीन एग्जांपल दिए गए हैं, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, पेरीगाइनस के जो हमको एग्जांपल दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, प्लम है, पीच है और रोज है, ठीक है, ये हमारा पेरीगाइनस के एग्जांपल हैं। तो ए पेरीगाइनस यानी एक पीस हो गया,
प्लम प्लम और पी से हो गया प्लम, पीच, प्लम पीच, और एक आर से हो गया हमारा रोज। इसके नाम में ही हमारे एग्जांपल हैं, प्लम पीच रोज एग्जांपल ऑफ द पेरिगनस, ठीक है। पेरिगनस फ्लावर के एग्जांपल हो गए प्लम पीच रोज, इसके नाम से हम देख लिया। एक पी से हो गया प्लम, दूसरे पी से हो गया हमारा पीच, और आर से हो गया हमारा रोज, ठीक है। इसमें जो ओवेरी होगी वो हाफ इन्फीरियर ओवेरी होगी। अब हमारा इपीगाइनस फ्लावर आता है। इपीगाइनस फ्लावर क्या है ये हम देखते हैं। इन इपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड, यानी हमारे जो थैलमस का मार्जिन होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है, इनक्लोजिंग द ओवेरी कम्प्लीटली, और वो ओवेरी को कम्प्लीटली इनक्लोज कर लेता है यानी ढक लेता है। और गेटिंग फ्यूज विथ अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, और दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर से वो जाके फ्यूज हो जाता है, अराइज द ओवेरी एवब द ओवेरी, और ओवेरी के ऊपर अदर पार्ट से जाके थैलमस फ्यूज हो जाता है। हिंस ओवेरी इज सेट टू बी इन्फीरियर, तो इसमें जो ओवेरी होती है वो हमारी इन्फीरियर ओवेरी कहलाते हैं। ये हमारे किसमें किसमें पाए जाते हैं, इन्फीरियर ओवेरी हमारी किसमें किसमें पाई जाएगी, वो गोवा में पाई जाएगी, कुकुम्बर में पाई जाएगी, एंड रेस फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रेस फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में पाई जाएगी। तो हम इसका आपको फिगर बताते हैं। पहले आप इसके लिए हम ट्रिक बता देते हैं आपको। इसकी जो ट्रिक है इपीगाइनस फ्लावर की ट्रिक जो होगी हमारी, इपीगाइनस के लिए हम देखेंगे ई सी जी, ई सी जी रेस, ई सी जी रेस। ई सी जी होती है एक हार्ट की जांच होती है, सभी जानते हैं, मेडिकल वाले सभी जानते हैं, ई सी जी होती है हार्ट की जांच होती है। ई सी हो गया हमारा, क्या हो गया, ई सी हो गया हमारा इपीगाइनस का एग्जांपल, ठीक है। ई सी हो गया हमारा इपीगाइनस का एग्जांपल, और सी सी हो गया हमारा कुकुम्बर, सी सी हो गया हमारा कुकुम्बर, और जी से हो गया हमारा गोवा, जी से हमारा हो गया गोवा, और जो आर से हो गया हमारा, आर से क्या हो गया, रेस से, आर से हमारा हो गया रेस ऑफ, रेस फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रेस फ्लोरेट्स और सनफ्लावर हमको एग्जांपल में दिया गया है, रेस फ्लोरेट्स और सनफ्लावर, यानी हमारा इफीगैनस का एग्जाम्पल हो गया गोवा कुकुम्बर, यानी ई से हो गया हमारा इपीगाइनस, है ना, और सी से हो गया हमारा कुकुम्बर, जी से हमारा हो गया गोवा, और आर से हो गया रेस, यानी आर से हो गया रेस फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। ये हमारा हो गया इपीगाइनस के एग्जाम्पल हो गए। हमने सभी एग्जाम्पल को आपको ट्रिक से बता दिया, तो हम इसमें इसका फिगर देख लेते हैं। इसका जो हमको फिगर दिखाया गया था, पोजिशन दिखाया गया था, ये हमारी जो पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स की हमारी जो पोजीशन दिखाई गई थी ऑन थैलमस पे, तो ये हमारा जो था वो हमारा हाइपोगाइनस का था। हाइपोगाइनस का था मतलब हमारी जो ओवेरी है ये देखो थैलमस पे हायर पोजीशन पे यानी एवर पोजीशन पे है, और जो हमारे अदर पार्ट्स हैं कैलिक्स करोला एंडोसियम, ये हमारा कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, ये हमारा एंडोसियम हो गया, एंडोसियम यानी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये हमारी गाइनोसियम जो है ऊपर एवर पोजीशन पे है, हायर पोजीशन पे है, तो इसलिए हम इसको बोल लेते हैं हाइपोगाइनस, है ना। हाइपोगाइनस यानी हमारी ओवेरी जो थी वो ऊपर टॉप पोजीशन पे थी, और हमारी जो थी एंड्रोसियम कैलिक्स करोला जो थे हमारे वो बिलो उसके नीचे थे, ठीक है। हमारा जो बी दिखाया गया है, बी और सी हमारा जो दिखाया गया है दोनों ये हमारे हैं पेरीगाइनस के, है ना, दोनों हमारे पेरीगाइनस के एग्जाम्पल हैं, है ना, कि इसमें हमारी जो हाफ इन्फीरियर ओवेरी थी हमारी, है ना, हाफ इन्फीरियर ओवेरी थी। और जो हमारा डी था, हमारा ये था डी था इन्फीरियर ओवेरी, है ना, पेरीगाइनस तो हमारी हाफ इन्फीरियर ओवेरी थी, और जो हमारा इसमें था इपीगाइनस में था इसमें इन्फीरियर ओवेरी थी, इन्फीरियर ओवेरी थी, ठीक है। इसमें जो था हमको थैलमस जो था, थैलमस का रिंग जो था ये इनक्लोज कर लिया ओवेरी को, पूरी तरह से ढक लिया, और आगे जाके फ्यूज हो गया, और अदर पार्ट ऑफ अलग मतलब हमारा अदर जैसे कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, और एंडोसियम से आगे चल के जुड़ गया, और हमारी ओवेरी को इसके अंदर सराउंडेड कर लिया यानी इनक्लोज कर लिया, है ना। तो आप समझ गए होंगे ये हमारा जो होता है ये थैलमस होता है, ठीक है, ये थैलमस होता है, यहाँ पे स्टाक ऑफ फ्लावर होता है जिसको हम पेडिसल बोलते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से मैंने समझाया है। अब पार्ट ऑफ फ्लावर देखते हैं हम कि हमारे फ्लावर में पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर देखते हैं हम हमारे फ्लावर में पार्ट कौन कौन से होते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल बोर्ड, मतलब
प्रत्येक फ्लावर में चार जो होते हैं वो फ्लावर वोरल होते हैं, चार जो होते हैं फ्लावर वोरल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जो हमारे होते हैं कैलिक्स होता है, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होता है, उसके बाद करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। जो कैलिक्स होता है वो आउटर मोस्ट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। जो करोला होता है ये कलरफुल होता है, इसी से पता चल रहा है हमारा करोला जो होगा वो कलरफुल होगा, कलरफुल होगा ये, है ना, ये हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। कलरफुल चीज़, रंगीन चीज़ को सभी देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, वो रंगीन चीज़ कोई भी हो। तुम्हारे पार्ट में फ्लावर के पार्ट कौन से होते हैं, कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमको कैलिक्स दिया गया है, कैलिक्स, कैलिक्स को हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के से डिनोट करते हैं, और करोला को हम सी से डिनोट करते हैं। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे जब फैमिली पढ़ेंगे, तो उसके टेक्निकल टर्म के बारे में हमको दिया गया है, तो हम आपको बताएंगे कैलिक्स को किससे डिनोट करते हैं, करोला को किससे, एंड्रोसियम को ए से करते हैं, गाइनोसियम को जी से करते हैं, सब बताएंगे आपको, ठीक है। सो कैलिक्स तुम्हारा होता है, कैलिक्स आउटर मोस्ट वॉल, जो कैलिक्स होता है वो आउटर मोस्ट वॉल होता है, यानी सबसे बाहरी वॉल होता है, और फ्लावर, फ्लावर की सबसे बाहरी वॉल होता है। मेंबर जो इसकी, जो मेंबर्स होते हैं उसकी, कैलिक्स की यूनिट जो होती है हमारी, कैलिक्स की यूनिट जो होती है वो सेपल होती है, कैलिक्स की यूनिट जो होती है वो सेपल होती है, कैलिक्स की यूनिट होती है वो सेपल होती है, सेपल। तो सेपल आर ग्रीन, जो सेपल होते हैं वो ग्रीन होते हैं, सेपल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, सेपल ग्रीन होते हैं। लीफ लाइक ये हमारे होते हैं, सेपल जो होते हैं ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, ये लीफ लाइक होते हैं, ग्रीन होते हैं, और ये हमारी बड स्टेज, जैसे हम गुलाब की कली देखते हैं ना, गुलाब की कली देखते हैं, तो उसमें जो ग्रीन ग्रीन आउटर मोस्ट होता है वो कैलिक्स ही होता है, और जो बड स्टेज को प्रोटेक्ट करता है, कभी गुलाब की कली देखो तो वो ग्रीन से ढकी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, वो हमारा ग्रीन स्टेज होता है, और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि वो ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल होगा, है ना। जब हमारा फ्लावर खिल जाता है, यानी गुलाब का फूल खिल जाता है, तो उसके गुलाबी गुलाबी कलर की जो उसकी पत्तियां निकलती हैं वो हमारी करोला होती हैं, उसी को देख के हमारे जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और हमारा पॉलिनेशन होता है, है ना, क्योंकि जो कलरफुल चीज़ों को देख के सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ सकते हो ना, भावनाओं पे जाना। कैलिक्स में भी गैमो से पहला, जो हमारी कैलिक्स की यूनिट होती है वो सिपल होती है ना, मैंने आपको बताया जो कैलिक्स की यूनिट होती है वो सिपल होती है, कैलिक्स यूनिट जो होती है वो सिपल होती है। अगर हमारा जो कैलिक्स होगा वो यूनाइट हो जाएगा, कैलिक्स हमारे यूनाइट हो जाएंगे, कैलिक्स मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे गैमोसेपेलस, है ना, गैमोसेपेलस कंडीशन बोलते हैं, कैलिक्स यूनाइट हो गए, यानी सेपल यूनाइट हो गए, ठीक है। और पॉलीपेटाइलस, पॉलीपेटाइलस है ना, पॉलीसेपेलस, सॉरी पॉलीसेपेलस जो होता है हमारा, पॉलीसेपेलस जो होगा वो सेपल फ्री हो जाएंगे, जब हमारा सेपल फ्री होंगे तो उसको हम पॉलीसेपेलस बोलेंगे, और जब हमारे सेपल यूनाइट होंगे तो उसको हम गैमोसेपेलस बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कोरोला क्या होता है, कोरोला, ठीक है, कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल, जो कोरोला की यूनिट होती है वो होती है, वो कोरोला की यूनिट होती है वो पेटल होती है ना। पेटल आर यूजली ब्राइट कलर, जो पेटल होते हैं ब्राइट यानी चमकीले कलर के होते हैं भाई, चमकीले कलर के होते हैं, यानी वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, है ना। पॉलिनेशन क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ये पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लाइक कैलिक्स करोला में भी, मतलब कैलिक्स की तरीके, जैसे कैलिक्स था इसमें गैमोसेपेलस था, पॉलीसेपेलस था, उसी तरह जो हमारा करोला होगा उसमें भी करोला की जो यूनिट है वो पेटल है ना। तो यहाँ पर सेपल की जगह अब क्या आ जाएगा, पेटल आ जाएगा, तो यहाँ पर गैमोपेटेलस हो जाएगा और पॉली पेटाइलस हो जाएगा। ये हम आगे देखते हैं, लाइक कैलिक्स गैमोस गैमोपेटाइलस, है ना। गैमोपेटाइलस में क्या हो जाएगा, पेटल जो होंगे हमारी वो यूनाइट हो जाएंगे, तो उसको हम गैमोपेटाइलस बोलेंगे, और अगर हमारे पेटल फ्री हैं तो उसको हम पॉलीपेटाइलस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। एंड कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, जो इसका होता है, जो करोला का जो कलर होता है ये कलरफुल होता है, ब्राइट कलर का होता है, ये हमारा वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट इसका कलर देखा जा सकता है। करोला में भी ट्यूबलर शेप, और इसका जो होता है करोला हमारे ट्यूबलर शेप भी हो सकते हैं,
बेल शेप भी हो सकते हैं, फनल शेप भी हो सकते हैं, व्हील शेप भी हो सकते हैं। इनका जो शेप है हमको एनसीईआरटी में सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे जो करोला का शेप होता है ट्यूबलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है और व्हील शेप हो सकता है ना। और बाकी इसके एग्जाम्पल हमको नहीं दिए गए हैं, बट हम आपको एग्जाम्पल भी इसमें बताएंगे। बाय द वे अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकें। तो पहले हम पार्ट ऑफ फ्लावर, जो हमको फ्लावर के पार्ट दिए गए हैं उसको हम फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके एग्जाम्पल कि हमारे जो करोला के शेप के जो हैं एग्जाम्पल्स के हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में हमको दिखाया गया है, इसके फिगर दिखाए गए हमारे, जो हम बोल रहे थे फ्लावर के स्टॉक को बोल रहे थे पेडिसेल। पेडिसेल क्या था? स्टॉक ऑफ फ्लावर था। ठीक है, जो हमारा जो था कैलिक्स जो था ग्रीन है हमारा, देखो कैलिक्स हमको जो दिखाया गया ग्रीन दिखाया गया है, ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा करोला है, करोला जो हमारा कलरफुल है क्योंकि हमारा पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और जो गाइनोसियम हमको दिखाया गया है, गाइनोसियम हमारा सबसे बीच में, ये थैलमस से बीच में हमारी जो है गाइनोसियम है। गाइनोसियम जो होता है हमारा वो होता है फीमेल का पार्ट होता है, और जो एंड्रोसियम होता है वो हमारा मेल का पार्ट होता है। एंड्रोसियम जो होता है हमारा वो मेल का पार्ट होता है, एंड्रोसियम जो होता है हमारा वो मेल का पार्ट होता है। अब हमको यहाँ पे कैलिक्स अलग से दिखा दिया गया, कैलिक्स जो हमारा ग्रीन है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, बड़ी स्टेज में हमारे फ्लावर को वो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ग्रीन होता है। और जो करोला होता है ये कलरफुल होता है हमारा, ठीक है, इसमें कलरफुल दिखाया गया हमारा। ये एंडोसियम स्ट्रक्चर दिखाया गया हमको, एंडोसियम का स्ट्रक्चर यानी मेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया हमको ये, ठीक है, और ये हमारा गाइनोसियम यानी फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे जो करोला के जो हमारे शेप दिए गए, करोला के हमारे जो ट्यूबलर शेप क्या होता है ना, फनल शेप किसमें होते हैं उसके हम एग्जांपल आपको बताते हैं। जो ट्यूबलर शेप हमारे करोला होते हैं वो डिस्क ऑफ सनफ्लावर में पाए जाते हैं, और जो हमारा ट्यूबलर शेप होगा डिस्क ऑफ सनफ्लावर में पाया जाएगा। जो वेल शेप होगा करोला का, वेल का शेप होगा तो वो हमारा पाया जाएगा फाइसेलिस में। जो फाइसेलिस होता है हमारा, फाइसेलिस क्या है हमारा, फाइसेलिस का इसका पूरा नाम जो होता है फाइसेलिस पेरुवियाना, फाइसेलिस पेरुवियाना जो होता है हमारा एक साउथ अमेरिकन प्लांट है ना, साउथ अमेरिकन प्लांट है। इसमें जो होते हैं करोला, इसके जो होते हैं वेल शेप होते हैं। और जो हमारा एक होता है फनल शेप को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, है ना, इनफंडिबुलम शेप भी बोलते हैं, जो कि हमारा धतूरा में पाया जाता है। धतूरा का कभी हम देखेंगे तो उसमें फनल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, है ना, फनल शेप का करोला का स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, यानी फनल शेप जो होगा हमारा वो धतूरा में होगा। और उसके बाद जो होता है हमारा व्हील शेप होता है, व्हील शेप क्या होता है, व्हील शेप करोला जो होता है हमारा, व्हील शेप जो होता है हमारा, व्हील शेप जो होता है हमारा ये होता है किसमें होता है, ब्रिंजल में होता है हमारा। जो हमारा व्हील शेप होता है करोला ये हमारा ब्रिंजल में होता है। और जो हमारा होता है एक और होता है लिंगुलेट शेप, जिसको हम टंग शेप बोलते हैं, है ना, लिंगुलेट लिंगुआ कॉम टंग बोलते हैं, टंग है ना, टंग। तो ये हमारा जो होता है ये किसमें होता है, रेस ऑफ सनफ्लावर। जो डिस्क ऑफ सनफ्लावर में था, डिस्क ऑफ सनफ्लावर में ट्यूबलर शेप था, ठीक है, डिस्क ऑफ सनफ्लावर में जो था हमारा वो ट्यूबलर शेप था। बेल शेप जो था हमारा फाइसेलिस में था, फाइसेलिस का पूरा नाम होता है फाइसेलिस परवियाना, है ना, सॉरी फाइसेलिस पेरुवियाना जो होता है ये अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लांट है, है ना। और जो हमारा होता है फनल शेप होता है, फनल शेप जो होता है हमारा वो धतूरा में होता है। फनल शेप को हम इनफंडिबुलम भी बोलते हैं, इनफंडिबुलम शेप बोलते हैं। फनल का जो हमारा ब्रिंज सॉरी धतूरा का जो होता है करोला होता है वो फनल शेप होता है, कभी हम देखेंगे तो फनल शेप दिखेगा हमको, ठीक है। और जो हमारा व्हील शेप होता है, व्हील शेप जो होता है हमारा ब्रिंजल में होता है। और जो लिंगुलेट शेप होता है, लिंगुलेट शेप मतलब हम टंग, लिंगुआ मतलब टंग होता है, टंग के शेप का होता है वो रेस ऑफ सनफ्लावर में होता है। ये हमने शेप ऑफ करोला देख लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, एस्टिवेशन हमको दिया गया, एस्टिवेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एस्टिवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लावर विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर नोन एज एस्टिवेशन, है ना। फ्लावर में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर एट सेम वोर उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, है ना। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल का अरेंजमेंट हम एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है,
द मेन टाइप जो कितने टाइप के एस्टिवेशन होता है, मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो हमारा होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टर एस्टिवेशन होता है, और एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ना। कितने कितने टाइप के एस्टिवेशन होते हैं हमको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन दिया गया है, ट्विस्टर एस्टिवेशन, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को जो हमारा होता है ये हमारा फेवेसी फैमिली में पाया जाता है, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे, है ना। इसमें कील एंड करीना बहुत अलग टाइप का एस्टिवेशन है, ठीक है। यहीं से हमारे क्वेश्चन आते हैं, एस्टिवेशन और फ्लावर के पार्ट में एस्टिवेशन और हमारा प्रेजेंटेशन, इसी से हमारे बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इसी से आते हैं, तो हम इसको देखते हैं। विनसेफल जो हमारा पहले हमारा बताया गया है वो वेलवेट के बारे में बताया गया है। विनसेफल और पेटल, यानी सेफल जो यूनिट था हमारा ये किसका था, कैलिक्स का था, ठीक है, याद रखेंगे हम। जो पेटल था ये हमारा करोला का था, ठीक है, करोला की यूनिट थी, है ना। अगर हमारा कैलिक्स और करोला, है ना, सेपल और पेटल इन वोर्ल, मतलब एक वोर्ल में सेपल और पेटल जो जस्ट टच वन इन अदर एट मार्जिन, है ना, ये सेपल और पेटल एक दूसरे को टच करें मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग, यानी उस पर ओवरलैपिंग ना हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और ये हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा कैलोट्रोपिस में पाया जाता है ना। कैलोट्रोपिस को हम बोलते हैं मदार होता है हमारा, कैलोट्रोपिस होता है, ठीक है, कैलोट्रोपिस होता है, वो मदार होता है, ये हमारा इसमें पाया जाता है। कैलोट्रोपिस में हमारा वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन में होता है सेपल और पेटल इन ए वर्ल जस्ट टच वन एंड ऑथर, एक दूसरे को टच करें मार्जिन से बट ओवरलैप ना करें, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन, है ना। इसमें दिखाया गया है विदाउट ओवरलैपिंग, यानी कोई ओवरलैपिंग ना हो, सिर्फ टच करें मार्जिन पे। इसका एग्जांपल होता है कैलोट्रोपिस, एग्जांपल होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, है ना। और जो होता है फिर उसके बाद देखते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में हम। ट्विस्टेड इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिजेज ओवरलैप डेट द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, मतलब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या हो रहा है, हमारे ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप करें इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। इसमें डायरेक्शन पर्टिकुलर होगी, एक के बाद एक ओवरलैप करेगा, है ना, इसमें डायरेक्शन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करें। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा क्या दिया गया है, चाइना रोड दिया गया है, लेडी फिंगर दिया गया है, और कॉटन दिया गया है। हम आपको इसके लिए भी ट्रिक बताएंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, है ना। जो हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया, इसमें होते हैं मार्जिन हमारे होते हैं ओवरलैप करें पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, एक के बाद एक ओवरलैप करें, इसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या था, हमारा ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, उसके सिर्फ मार्जिन जो थे वो टच कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा ट्विस्टेड हो गया। अब हम देखते हैं इम्ब्रिकेट के बारे में, है ना। इफ मार्जिन सेपल और पेटल ओवरलैप इन अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, है ना, जैसे मन आया वैसे ओवरलैप कर लिया भाई, है ना, बिना मर्जी के, बिना डायरेक्शन के ओवरलैप कर लिया, तो ये हमारा हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमारा किस में पाया जा रहा था, केसिया में पाया जा रहा था, गुलमोहर में पाया जा रहा था, ये हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में हमारे जो मार्जिन है सेपल और पेटल जो थे वो ओवरलैप कर रहे थे विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन के, है ना, तो इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और हमारा जो नेक्स्ट है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो हमारा ये इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है ये देखते हैं। इन पी यानी हमारा दाल वाली फैमिली हो गई, है ना, या हमारी ये फेवेसी फैमिली में आएगा हमारा। और वीन जो हमारा वीन हो गया, पी फ्लावर और वीन फ्लावर जो होंगे हमारे फेवेसी फैमिली में आएंगे। इसमें क्या होते हैं, देयर आर फाइव पेटल। जो पेटल होता है हमारा, पेटल हमने देखा था किसकी यूनिट होती है, करोला की होती है, करोला की यूनिट होती है पेटल, है ना। फाइव पेटल द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट होता है, जिसको फाइव पेटल में जो लार्जेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। जो लार्जेस्ट होता है वो स्टैंडर्ड होता है। ओवरलैप, जो लार्जेस्ट बड़ा वाला होता है वो ओवरलैप करता है टू लेटलर, मतलब लेटलर
पेटल विंग्स, जो पेटल होंगे छोटे छोटे अगल बगल होंगे उनको ओवरलैप करेगा, जिसको हम बोलते हैं विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंग बोलते हैं। और जो हमारा जो लार्जेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं, है ना। विच इन टर्न ओवरलैप टू, जो हमारा ये फिर टू अगल बगल वाले भी होते हैं जो विंग होते हैं, ये भी ओवरलैप करते हैं किसी दूसरे को। टू स्मॉलेस्ट है ना, जो दूसरे होते हैं टू स्मॉलेस्ट, जिसको हम कील बोलते हैं। तो इसको ये ओवरलैप करते हैं, एंटीरियर जो होते हैं सामने की तरफ होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, इनको ओवरलैप कौन करता है? ये विंग वाले करते हैं। और जो विंग वाले को ओवरलैप कौन करता है? लार्जेस्ट वाले यानी स्टैंडर्ड वाले ओवरलैप करते हैं, है ना। तो दिस टाइप एस्टिवेशन कॉल वैगलरी एस्टिवेशन, दिस टाइप एस्टिवेशन कॉल वैगलरी एस्टिवेशन। और इसको बोलते हैं पेप्लियोनियसियस एस्टिवेशन, पेप्लियोनियसियस एस्टिवेशन होता है ये हमारी फेबेसी फैमिली से, सब फैमिली ऑफ द पेप्लियोनियसी जो हमारी फेबेसी आती है ना, फेबेसी फैमिली होती है हमारी, दाल वाली फैमिली होती है हमारी, दाल वाली फैमिली होती है हमारी। अब हम इसके लिए एस्टिवेशन के लिए हम ट्रिक देख लेते हैं ना, क्योंकि बिना ट्रिक के तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए हम देख लेते हैं ट्रिक। तो पहले हम देखेंगे वॉलवेड एस्टिवेशन के लिए, किसके लिए देखेंगे? वॉलवेड एस्टिवेशन, वॉलवेट, वॉलवेट एस्टिवेशन के लिए हमको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया गया था हमारा, जो था वो कैलोस्ट्रोपिस था, है ना। हमारा एग्जाम्पल था कैलोस्ट्रोपिस था, यानी सी से हमारा कैलोस्ट्रोपिस हो गया। तो इसके लिए जो हम ट्रिक बनाएंगे वी सी, वी से हमारा वॉलवेट एस्टिवेशन, सी से हमारा कैलोस्ट्रोपिस, इसका जो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं ट्विस्टेड के लिए देखते हैं, ट्विस्टेड के लिए देखते हैं, ट्विस्टेड के लिए देखते हैं। ट्विस्टेड के लिए हमारा एग्जाम्पल क्या था? ट्विस्टेड के लिए हमारे जो एग्जाम्पल थे हमारे क्या थे? चाइना रोज थे, लेडी फिंगर था और कॉटन था, है ना। तो इसके लिए एग्जाम्पल ट्रिक हो जाएगी TLCC, जो हमारा होता है TLC होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो हमारे हम ब्लड में देखते हैं अपने, है ना। तो उसमें हमें ये देख लिया, टी से हमारा हो गया ट्विस्टेड, एल से हमारा हो गया लेडी फिंगर, सी से हमारा हो गया कॉटन, और सी से हमारा हो गया चाइना रोज, यानी हमारा जो ट्विस्टेड के एग्जांपल हो गए TLCC, यानी ट्विस्टेड, टी डू नॉट फॉर ट्विस्टेड, एल डू नॉट फॉर लेडी फिंगर, ये लेडी फिंगर मतलब हमारा भिंडी होता है ना, और सी डू नॉट फॉर कॉटन, अनदर सी डू नॉट फॉर चाइना रोज, ये हमारा ट्विस्टेड के एग्जांपल हो गए, है ना। अब हमारा क्या हो गया? इम्ब्रिकेट का एग्जांपल देखते हैं, इम्ब्रिकेट के जो एग्जांपल हो गए हमारे, क्या क्या हो गए इम्ब्रिकेट के एग्जांपल जो हो गए? इम्ब्रिकेट के एग्जांपल हमको सिर्फ दो दिया था, कैजिया और गुलमोहर दिया था। तो IGC इम्ब्रिकेट के एग्जांपल जो हो गए हमारे IGC, यानी इम्ब्रिकेट, आई डोनेटेड फॉर इम्ब्रिकेट, जी डोनेटेड फॉर गुलमोहर, और सी डोनेटेड फॉर केसिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं वैगलरी एस्टिवेशन, जो हमारा होता है वैगलरी एस्टिवेशन होता है, वैगलरी एस्टिवेशन हमारा सिर्फ किसमें किसमें पाया जाता है? वैगलरी एस्टिवेशन के लिए हमको जो दो एग्जांपल दिए गए हैं पी और बीन दिया गया है। इसमें सिर्फ हमको एग्जांपल पी और बीन दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सिर्फ पी और बीन में पाए जाएंगे, यानी पी की फैमिली जो होती है फेबेसी फैमिली होती है, यानी फेबेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उनमें वैगलरी एस्टिवेशन पाया जाएगा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दे सकते हैं, हमको NCERT में तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, बस बता दिया गया है कि हमारे ये पेप्लियोनियसी फैमिली में होंगे, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं और पूछ सकते हैं उनसे। तो इसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं। तो वैगलरी एस्टिवेशन के लिए हमारी जो ट्रिक हो गई, वैगलरी के लिए ट्रिक होगी VBP, है ना, VBP यानी वैगलरी एस्टिवेशन, बी से बीन हो गया, और इसका पी से हमारा पी हो गया, है ना, पी हो गया। तो हमने क्या देखा? जो वॉलवेट एस्टिवेशन था हमारा, वॉलवेट एस्टिवेशन तो कैलोट्रॉपिक में पाया जा रहा था, जिसकी ट्रिक थी वी सी, और ट्विस्टेड इम्ब्रिकेशन जो था हमारा लेडी फिंगर में पाया जा रहा था, कॉटन में पाया जा रहा था, और चाइना रोज में पाया जा रहा था, जिसके लिए हमने ट्रिक बनाई TLCC, है ना, TLCC, इसकी हमारी ट्विस्टेड की एग्जाम्पल हो गई। और जो हमारा इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल था, जो हमारे गुलमोहर और केसिया थे,
कुल मोवर ओकेसिया थी, इसकी ट्रिक जो थी आईजीसी थी, यानी आई डोनेटेड फॉर इंडिकेट, जी डोनेटेड फॉर गुलमोवर, सी डोनेटेड फॉर किसिया। और जो हमारा वैक्लियो और पेप्लियोनेसियस जो था हमारा, वो हमारे दो में पाए जा रहे थे, पी और वीन में पाए जा रहे थे, है ना। तो उसके लिए ट्रिक जो थी वी बी पी, ठीक है। तो हम इसका फिगर देख लेते हैं। हमको जो फिगर दिए गए हैं एस्टिवेशन के, जो फिगर दिए गए हैं एस्टिवेशन इन कोरोला, ठीक है। इसमें जो हमको दिखाया गया, फर्स्ट हमको दिखाया गया वॉल्वेट का एस्टिवेशन दिखाया गया है। वॉल्वेट में तो कोरोला हमारे एक दूसरे को टच कर रहे थे, मार्जिन में टच कर रहे हैं, ये देखो टच कर रहे हैं, बट ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे हमको दिखाया है वैक्सिलरी का दिखाया गया है, इसमें टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं हो रहा है। और जो हमारा ट्विस्टेड में था, यहाँ पे ट्विस्टेड में हमको जो दिखाया गया है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक के बाद एक, एक के बाद एक ओवरलैप करें, एक इनसाइड वन आउटसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड, ये हमको दिखाया गया है। इनसाइड आउटसाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एग्जांपल था ट्विस्टेड का एग्जांपल था, ठीक है। और जो हमारा एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट का था, एम्ब्रिकेट में क्या था, इनमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवरलैपिंग हो रही थी। देखो यहाँ पे दोनों एक जगह पे ओवरलैप कर लिए, है ना, इसमें एक अंदर और एक बाहर, है ना। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन के। और जो हमारा जो था वैगली एस्टिवेशन था, वैगली एस्टिवेशन था जो हमारा, ये हमारा पी में पाया जा रहा था, वीन में पाया जा रहा था। इसमें जो ये जो हमारे आउटर थे, इसको हम स्टैंडर्ड बोल रहे थे, स्टैंडर्ड बोल रहे थे, है ना। इनको हम विंग बोल रहे थे, इनको हम विंग बोल रहे थे, और इनको हम कील बोल रहे थे, इनको हम बोल रहे थे कील, ठीक है। ये हमारे थे वैगली के थे, टू स्टैंडर्ड जो था ओवरलैप कर रहा था विंग वाले को, और जो विंग वाले थे वो ओवरलैप कर रहे थे किसको, कील वाले को, ठीक है। तो हमारा एस्टिवेशन हो गया, एस्टिवेशन मैंने देख लिया। अब इसके बाद हमको थर्ड जो हमको दिया गया है एंडोसियम दिखाया गया। एंडोसियम के बारे में देखते हैं हम, एंडोसियम क्या होता है हमारा। एंडोसियम, एंडोसियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन। जो एंडोसियम होता है वो कंपोज क्या होता है, स्टेमन। एंडोसियम की यूनिट होती है वो स्टेमन होता है, ठीक है। इच स्टेमन विच रिप्रेजेंटेड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा इच स्टेमन होता है वो हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंटेड करता है। जो हमारा स्टेमन होता है उसमें क्या क्या होता है, एक स्टॉक होता है और फिलामेंट होता है और एंथर होता है, ठीक है। तो स्टॉक मतलब आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये स्टॉक हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, ठीक है। ये स्टॉक हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट हो गया, ये हमारा हो गया एंथर हो गया, ये हमारा हो गया एंथर हो गया, है ना, ये हमारा एंथर हो गया। तो हमारा क्या है इसमें, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंटेड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या होता है, स्टॉक होता है और फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ईच एंथर इज यूजली बाइलोट। जो हमारा प्रत्येक एंथर होता है, यूजली मतलब होता है ज़्यादातर, यूजली मतलब होता है ज़्यादातर जो होता है हमारा बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड, एंड ईच लोब्ड हैव टू चैम्बर। इसका मतलब ये है कि हमारा एक एंथर होगा वो हमारे बाइलोब्ड होगा, है ना, बाइलोब्ड होगा, ये बाइलोब्ड हो गए। अब जो एक लोब ये हो गया, है ना, फर्स्ट लोब ये हो गया और सेकंड लोब जो हमारा ये हो गया। अब जो ईच लोब होगा, एक लोब में दो चैम्बर होंगे, तो यानी इसमें एक चैम्बर होगा और एक इसमें चैम्बर होगा, है ना। तो ईच लोब टू चैम्बर, यानी इस वाले लोब पे भी दो चैम्बर हो गए, इस वाले लोब पे भी दो चैम्बर हो गए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बाइलोब्ड, है ना, ईच लोब, इसको हम डाइथिकस कंडीशन बोलते हैं, है ना, टू थीका, ठीक है। ईच एंथर यूजली बाइलोब्ड एंड ईच लोब्ड हैज टू चैम्बर, और एक लोब में दो चैम्बर होते हैं, जिसमें कि पोलन सैक, पोलन गैन आर प्रोड्यूसिंग पोलन सैक। इसमें जो पोलन सैक होती हैं, है ना, एंथर में पोलन सैक होती हैं, उसमें हमारी पोलन गैन बनते हैं, है ना, पोलन सैक में हमारे पोलन गैन बनते हैं। ए स्टेराइल स्टेमन कॉल स्टेमिनॉइड, है ना, ये हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्वेश्चन बोलते हैं स्टेराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, तो हम स्टेराइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनॉइड। स्टेराइल का मतलब है यहाँ पर वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना स्टेराइल, स्टेराइल मतलब वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, एक तरह से वांझ, है ना, तो मतलब वो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे नहीं पाई जाएगी, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। स्टेमन ऑफ फ्लावर में भी, स्टेमन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइट विथ अदर मेंबर सच एज पेटल और एमंग देमसेल्फ। तो इसमें क्या है, स्टेमन जो होते हैं, फ्लावर का स्टेमन होता है वो यूनाइट हो सकता है,
विथ अदर मेंबर, है ना। जैसे पेटल, पेटल यानी हमारा क्या होता है, पेटल यूनिट थी हमारी किसकी थी, पेटल यूनिट थी हमने आपको बताया था, सेपल यूनिट थी हमारी कैलिक्स की, और ये हमारी जो यूनिट थी कोरोला की यूनिट थी हमारी, कोरोला की यूनिट थी, है ना, कोरोला की यूनिट थी हमारी वो पेटल थी। वेन स्टेमन अटैच, सॉरी वेन स्टेमन आर अटैच टू पेटल, तो हम इसको इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिपेटलस बोलते हैं, है ना। ये हमारा हमको बताया कि स्टेमन जो स्टेमन ऑफ फ्लावर जो था वो यूनाइट हो सकता है दूसरे मेंबर से, जो कि हमको बताया गया पेटल से यूनाइट हो सकता है, ठीक है, पेटल से यूनाइट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे वेन स्टेमन अटैच टू पेटल, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एपिपेटलस। एपिपेटलस कंडीशन जो हमारी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो ब्रिंजल में पाई जाती है। एपिपेटलस कंडीशन जो हमारी ब्रिंजल में पाई जाती है, जिसमें स्टेमन जो होता है हमारा कोरोला से यूनाइट हो जाता है, है ना, तो इसको हम एपिपेटलस कंडीशन ब्रिंजल में देखते हैं। और एपिफेलस, 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 एपिफेलस व्हेन, एपिपेटलस तो हमारी ब्रिंजल में होगी, और एपिफेलस व्हेन 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 अटैच ऑफ पेरियंथ, जो हमारा स्टेमन जो होता है वो पेरियंथ से अटैच हो जाता है। पेरियंथ कंडीशन जो हमारा कैलिक्स, पेरियंथ क्या होता है ये हम आपको अभी बता देते हैं, बाकी हम लिलिएसी फैमिली में देखेंगे। पेरियंथ, पेरियंथ में होता है हमारा जो कैलिक्स, है ना, कैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला हमारे जो यूनाइट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं पेरियंथ कंडीशन, है ना। अब अगर हमारा पेरियंथ कंडीशन से हमारा स्टेमन वो हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिफाइलस। व्हेन अटैच द पेरियंथ इन फ्लावर ऑफ लिली, लिली, लिली फैमिली यानी लिलिएसी फ्लावर में, लिली फैमिली के फ्लावर में पेरियंथ कंडीशन देखी जाती है, और हमारा जब स्टेमन पेरियंथ से यूनाइट हो जाता है तो उसको एपिफाइलस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। द स्टेमन इज, द स्टेमन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, हमारा जो फ्लावर में जो होगा स्टेमन होगा वो फ्री हो सकता है, अगर रिमेन वो फ्री है, फ्री कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस, है ना, फ्री कंडीशन है तो उसको पॉली बोलेंगे, है ना। अगर हमारा स्टेमन जो है फ्री कंडीशन में है, रिमेन फ्री, तो उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे। और मे बी यूनाइट, अगर वो यूनाइट है विद बैरिंग डिग्री, मतलब विभिन्न विभिन्न डिग्री में यूनाइट है, मतलब वो बंच में डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स के बंच में यूनाइट है, यहाँ पे बैरिंग डिग्री बोला है, है ना, तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री में यूनाइट होगा, कोई वन बंडल में यूनाइट होगा, टू बंडल में यूनाइट होगा, इसलिए इसको यहाँ पे डिग्री बोला है, ठीक है। स्टेमन में भी यूनाइट इन टू वन बंच, जो हमारा स्टेमन होता है वो एक बंच में यूनाइट होगा, एक बंच यानी एक गुच्छे पे यूनाइट होगा, और वन बंडल या फिर एक बंडल पे यूनाइट होगा, तो एक को हम बोलते हैं मोनो, है ना, एक को हम बोलते हैं मोनो, तो ये इसको हम बोलेंगे मोनोडल्फस, है ना। अगर हमारा स्टेमन जो होगा एक बंच और एक बंडल पे यूनाइट होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोडल्फस। मोनोडल्फस का जो एग्जांपल है हमारा क्या है, यहाँ पे एग्जांपल चाइना रोज दिया गया है, मोनोडल्फस का एग्जांपल जो हमको दिया गया है यहाँ पे चाइना रोज दिया गया है। अगर टू बंडल, अगर टू बंडल पे यूनाइट है हमारा तो उसको बोलेंगे डाइडल्फस, डाइडल्फस बोलेंगे। डाई से हमको पता चल रहा है, देखो इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, हिंदी में हम इसको ऐसे लिखते हैं डाई, ठीक है। और ये जो किस में पाया जाता है, ये पी में पाया जाता है, पी में पाया जाता है, तो पी जो फैमिली हमारी है ना, दाल वाली फैमिली है, डाई और डाल, है ना, डी और डाल, ऐसे हम मेमोराइज कर लेंगे, लिंक करके पढ़ लेंगे, डी से डी, डी से दाल, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम इसको देख लेंगे कि यानी हमारी फवेसी फैमिली में जो होगा वो डाइडल्फस कंडीशन पाई जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल तो हमको पी का के लिए दिया गया है, बट पी जो मेंबर ऑफ द फवेसी फैमिली का है, तो यानी फवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें डाइडल्फस कंडीशन पाई जाएगी। जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे डाइडल्फस कंडीशन पाई जा रही है, ठीक है। इनटू मोर देन टू बंडल, अगर मोर देन टू बंडल में होगा तो इसको हम बोलेंगे पॉलीडल्फस, है ना। एक बंडल से दो बंडल होंगे तो डाइडल्फस, और जब हमारे दो बंडल से ज़्यादा होंगे तो इसको पॉलीडल्फस बोलेंगे। पॉलीडल्फस जो हमारी पाई जाती है वो सिट्रस में पाई जाती है, पॉलीडल्फस जो होती है हमारी वो किस में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ, यहाँ पे क्या है, देयर मे बी ए वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर, यानी हमारे इसमें बता रहा है कि हमारे जो फ्लावर के फिलामेंट में वेरिएशन होते हैं वो किस में होते हैं, साल्विया में होते हैं, है ना, साल्विया में और मस्टर्ड में होते हैं, साल्विया और मस्टर्ड के जो हमारे फिलामेंट में होते हैं उनमें वेरिएशन होता है। यहाँ पे हमको बताया गया साल्विया और मस्टर्ड के जो होते हैं फिलामेंट के, फ्लावर के फिलामेंट में होता है वेरिएशन होता है। जो हमारा होता है साल्विया क्या होता है, साल्विया जो है मिंट, मिंट फैमिली का मेम्बर है ना, मिंट फैमिली जो होती है हमारी साल्विया, मिंट फैमिली में जो होती है हमारी
क्या होती है, लेमिएसी फैमिली होती है, लेमिएसी फैमिली होती है हमारी, वो मिंट फैमिली होती है जिसमें कि हमारा साल्विया पाया जाता है ना। और मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होती है हमारी वो ब्रैसिकेसी फैमिली होती है, ब्रैसिकेसी फैमिली यानी सरसों की फैमिली है ना, ब्रैसिकेसी फैमिली होती है हमारी, ब्रैसिकेसी फैमिली यानी सरसों की फैमिली, सरसों की फैमिली में। और हमारी जो मिंट की फैमिली में यानी लेमिएसी फैमिली में जिसमें हमारा सेल्विया आता है, और जो मस्टर्ड होता है ब्रैसिकेसी फैमिली में होता है। ब्रैसिकेसी के मेंबर्स और होते हैं हमारे क्या होता है हमारा कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर होता है ना, और भी मेंबर जितने आते हैं हमारे वो सब ब्रैसिकेसी में आते हैं। मतलब जो जो ब्रैसिकेसी फैमिली का मेंबर होगा है ना, उसमें हमारा क्या पाया जाएगा, पॉलीडेल्फस कंडीशन, सॉरी उसमें जो होगी फिलामेंट के फ्लावर में वेरिएशन होगा है ना, फ्लावर के फिलामेंट में वेरिएशन होगा, वेरिएशन इन देयर आर मेनी वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ फ्लावर साल्विया एंड मस्टर्ड। ठीक है, साल्विया मस्टर्ड में इसको दिया गया है। बट हमारे जो लेमिएसी फैमिली यानी मिंट फैमिली के जितने एग्जाम्पल होंगे, और हमारे जो मस्टर्ड फैमिली के यानी ब्रैसिकेसी फैमिली के जितने एग्जाम्पल होंगे, उसके फ्लावर के फिलामेंट में वेरिएशन पाया जाएगा। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं, और अदर एग्जाम बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उनको एलिमिनेट करना होगा किसमें किसमें लेंथ में वेरिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम देखते हैं। जो गाइनोसियम हमारा होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं है ना। तो गाइनोसियम, गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ फ्लावर, एंड इट मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉर्पल, वन और मोर देन वन कॉर्पल। ये जो होता है गाइनोसियम होता है, ये गाइनोसियम की जो यूनिट होती है हमारी कार्पल होती है, कार्पल और पिस्टिल, कार्पल और पिस्टिल जो होती है हमारी इसकी गाइनोसियम की यूनिट होती है। और एंडोसियम की यूनिट थी हमारी वो थी एंडोसियम थी। ठीक है, जो हमारी कैलिक्स की यूनिट थी वो सेपल थी, वो पेटल की जो यूनिट थी, वो करोला की यूनिट थी जो पेटल थी। ठीक है, तो गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड इट मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, या एक कार्पल और एक ज़्यादा कार्पल थे मिलकर बनती है। एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, एक कार्पल जो होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, नेमली स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी है ना। क्या क्या होता है जो इसमें होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल होता है, सॉरी स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा जो होता है स्टाइल होता है, और ओवेरी होता है ना, ओवेरी होता है। ओवेरी इज इन लार्ज बेजल पार्ट, जो ओवेरी होता है वो इन लार्ज बेजल पार्ट होता है, इन विच लाइज इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल, इससे हमारी इलोंगेटेड ट्यूब जो होती है वो स्टाइल इलोंगेटेड होती है, स्टाइल जुड़ी हुई होती है। द स्टाइल कनेक्टेड द ओवेरी टू द स्टिग्मा, जो हमारा होता है स्टाइल क्या होता है वो हमारे स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करता है। हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं, ये सपोर्ट डेट, ये हमारी होगी ओवेरी। ठीक है, ओवेरी होगी, ये हमारा हो गया स्टाइल हो गया, और ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया स्टिग्मा हो गया। ठीक है, ये हमारा जो हो गया स्टाइल हो गया, स्टाइल हो गया, ये हमारी ओवेरी होगी, ओवेरी, ये हमारा जो हो गया क्या हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा। यहाँ पे हमारे पॉलिनेशन पोलन गेन आएंगे, और यहाँ से हमारा इसी पे सेड होंगे पोलन गेन, और यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी, जर्मिनेट होगी हमारे, फिर ये ओवेरी में जाते हुए फ्यूज हो जाएगी। ये हमारा स्टाइल होता है, जो हमारा स्टाइल होता है स्टिग्मा और ओवेरी को हमारा कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा स्टाइल का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो हमारा स्टाइल जो होता है वो ओवेरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। ठीक है, स्टाइल कनेक्टेड द ओवेरी टू द स्टिग्मा। ठीक है, द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ स्टाइल, यानी स्टिग्मा जो होता है हमारा स्टाइल के टिप पे होता है, जो मैंने आपको बताया स्टिग्मा जो होता है स्टाइल के टिप पे होता है, एंड रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। रिसेप्टिव सरफेस का मतलब होता है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा, रिसेप्टिव का मतलब होता है एक तरह से जिसके रिसेप्टिव मतलब रिसीव करेगा। ठीक, रिसीव करेगा, वो रिसेप्टिव का मतलब हो गया वो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को अपने ऊपर रख के आएगा और रिसीव करेगा उसको। ठीक है, उसके बाद वो पोलन ट्यूब से जर्मिनेट करके वो फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा उसमें। ठीक है, ईच ओवेरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा है ना। प्रत्येक ओवेरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल अटैच होते हैं है ना, ये फ्लैटेंड जो होते हैं, एक फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन का मतलब होता है गद्दा। ठीक है, कुशन लाइक, कुशन का मतलब गद्दे गुनुमा, गद्दे की नुमा। ठीक है, गद्दे की नुमा मोटा सा कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है,
व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होती है, दे में भी फ्री है ना, अगर ये कार्पल जो होगी हमारी फ्री हो जाएगी तो ये किस में पाई जाती है, लोटस और रोज में पाई जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस, है ना। एपोकार्पस कंडीशन किस में पाई जाती है हमारी, एपोकार्पस कंडीशन जो होती है लोटस में और रोज में पाई जाती है। एपोकार्पस कंडीशन जो होती है लोटस और रोज में पाई जाती है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, एपोकार्पस कंडीशन जो हमारी किस में पाई जाती है, LAR, है ना, लार, जो लार होगी लोटस रोज, और जो होगी हमारी ये ऐसे हमारी होगी एपोकार्पस, ठीक है, एडिनोटेड फॉर एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन किस में पाई जाती है, लोटस में और रोज में पाई जाती है, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर टर्म सिंकार्पस। सिंकार्पस क्या होता है हमारा, सिंकार्पस क्या होता है, व्हेन कार्पल आर फ्यूज, जब हमारे कार्पल फ्यूज हो जाते हैं, सिंकार्पस सिंक मतलब सिंगेमी, जैसे हम पढ़ेंगे ना सिंगेमी, सिंग मतलब फ्यूजन हो जाता है ना, सिंग व्हेन मतलब सिंकार्पस, व्हेन कार्पल आर फ्यूज, जब हमारे कार्पल फ्यूज हो जाते हैं, एज इन मस्टर्ड और टमाटो, है ना, मस्टर्ड और टमाटो में हमारे सिंकार्पस कंडीशन पाई जाती है, मस्टर्ड और टमाटो में हमारे जो होते हैं सिंकार्पस कंडीशन पाई जाती है, मस्टर्ड और टमाटो में हमारे सिंकार्पस कंडीशन पाई जाती है। तो अब इसके लिए हम एक ट्रिक क्या देखेंगे सिंकार्पस कंडीशन के लिए, MTS, ठीक है, MTS, तो यम से हो गया हमारा मस्टर्ड हो गया, टी से हो गया हमारा टोमेटो हो गया, टी से हो गया हमारा टोमेटो हो गया, यस से हमारा हो गया सिंकार्पस। सिंकार्पस कंडीशन हमारी मस्टर्ड और टोमेटो में पाई जाती है, और एपोकार्पस कंडीशन हमारी किस में पाई जाती है, लोटस और रोज में पाई जाती है, जिसको हम पढ़े थे ट्रिक से लार, और जो हमारा MTS होती है, MTS यानी सिंकार्पस कंडीशन हमारी मस्टर्ड और टमाटो में पाई जाएगी, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या दिया है हमको, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जो हमारा ओव्यूल से होगा, ओव्यूल से हमारा सीड बनेगा, और ओवरी जो मेच्योर ओवरी से होगी वो हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारा होगा, जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल से हमारा क्या बनेगा, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड और ओवेरी डेवलप इनटू मैच्योर ओवेरी, जो होगी हमारी वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है, मैच्योर ओवेरी जो होगी हमारी वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लेसेंटेशन, है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा अगर क्वेश्चन आता है फ्लावर वाले टॉपिक से, अगर मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो प्लेसेंटेशन से आएगा, और या फिर हमारा एस्टिवेशन से आएगा, तो हमारा प्लेसेंटेशन है तो हम इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग है, एस्टिवेशन में भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे ओव्यूल का ओवेरी में अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है, ठीक है, सिंपल से वर्ड में अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, यानी ओवेरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, प्लेसेंटेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है, सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, कौन कौन से होते हैं, मार्जिनल होता है, एग्जाइल होता है, पैराइटल होता है, बेसल होता है, सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हमारे NCERT में दिए गए हैं, तो हम एक एक कर को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसको ट्रिक की सहायता से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का होता है इन प्रेजेंटेशन, मार्जिनल प्रेजेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म रिज, प्लेसेंटा जो होगा एक रिज फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ वेंट्रल फ्यूचर ऑफ द ओवेरी एंड ओव्यूल आर बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज एज ए पी, ठीक है। अब इसका मतलब हम आपको बताते हैं कि जो हमारी पी वाला होता है, पी की जो हमारी वो होती है, पी का जो हमारा होता है, यहाँ पे यहाँ एक ऐसे रिज फॉर्म करेगा, यहाँ पे पी के मटर के दाने लगे होते हैं,
तो एक ये फॉर्म करता है, एक इस टाइप से होती है, तो ये दोनों इनक्लोज होती है ना, दोनों इनक्लोज होती हैं, तो टू रो फॉर्म करता है, माना टू रिज फॉर्म करता है, तो ये हमको बताया गया इसमें। प्लेसेंटेशन फॉर्म रिज अलॉन्ग विथ वेंट्रल सूचर ओवेरी विल बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज, है ना, टू रो बनाएगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पी, है ना। मार्जिनल, मार्जिनल को हम याद करने के लिए हम ऐसे देख लेते हैं, यम से मार्जिनल होता है, मार्जिनल 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 मार्जिनल, और हम पी को, पी को बोलते हैं मटर, है ना, पी को बोलते हैं मटर, मटर हम बोलते हैं पी को, ठीक है, मटर हम बोलते हैं पी को, है ना, तो मटर हम पी को बोलते हैं। तो यानी मार्जिनल जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो किस में होगा, मटर में होगा, मटर यानी पी में होगा। सिंपल तरीके से हमने याद कर लिया इसको, है ना, मार्जिनल जो प्रेजेंटेशन होगा हमारा वो पी में होगा, क्योंकि यम से हमारा मटर होता है, यम से हमारा मार्जिनल होता है, जो मटर को हम इंग्लिश में पी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा याद हो गया। अब है विन, अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाइल के बारे में। विन द प्लेसेंटर, विन द प्लेसेंटा इज एग्जाइल एंड द ओब्यूल आर अटैच टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवेरी, मल्टीलोकुलर ओवेरी द प्लेसेंटा सेट टू एग्जाइल, है ना, इसमें जो हमारा प्लेसेंटा होता है मल्टीलोकुलर ओवेरी से अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं जब प्लेसेंटा एग्जाइल होगा उसमें मल्टीलोकुलर ओवेरी से अटैच हो जाएगा, मल्टीलोकुलर ओवेरी से अटैच होगा ओवेरी हमारा, तो उसको एग्जाइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। एग्जाइल प्लेसेंटेशन हमारा किस में पाया जाता है, चाइना रोज में पाया जाता है, टमाटो में पाया जाता है और लेमन में पाया जाता है। जब कभी हम टमाटो को काटते हैं, है ना, जब कभी हम टमाटो को काटते हैं तो उसमें हमारा एग्जाइल प्लेसेंटेशन हमारे दिखता है हमको। इसमें हमको ये एग्जाइल प्लेसेंटेशन के हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो हमारा है ये एग्जाइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है, ये हमारा जो है एग्जाइल का एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जाइल का एग्जांपल है, हमको एग्जाइल का दिखाया गया है, एग्जाइल का एग्जांपल हमको दिखाया गया है, एग्जाइल का एग्जांपल दिखाया गया हमको। तो एग्जाइल के एग्जांपल क्या क्या है हमारे, एग्जाइल के हैं चाइना रोज, टमाटो और लेमन, ठीक है। और जो हमारा इसके बाद दिखाया गया है पैराइटल, पैराइटल के बारे में देख लेते हैं। पैराइटल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इन पैराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवेरी और पेरीफेरल पार्ट, जो हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन में होता है, जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है इनर वॉल ऑफ ओवेरी और या फिर पेरीफेरल पार्ट में डेवलप हो जाएगा। ओवेरी जो होती है हमारी वन चैम्बर होती है, ओवेरी जो होगी हमारी वन चैम्बर होगी, बट ये दो दो चैम्बर दिखती है हमको। ओवेरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम, है ना, फाल्स सेप्टम यानी आवासी सेप्टम, फाल्स सेप्टम की वजह से हमको टू चैम्बर दिखती है, बट रियल में क्या होती है वन चैम्बर होती है। यहाँ से हमारा पैराइटल प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आता है, हमको स्टेटमेंट टाइप में देगा कि हमारा ओवेरी इज वन चैम्बर बट ड्यू टू फाल्स सेप्टम इट्स बिकम टू चैम्बर, व्हाट्स इट्स एग्जाम्पल, तो हमको एग्जाम्पल दे देगा और हमको पूछ लेगा इसे, है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया हमारा मस्टर्ड और आर्जिमोन होता है, मस्टर्ड और आर्जिमोन एग्जाम्पल होता है हमारा पैराइटल प्रेजेंटेशन का, ठीक है, और पैराइटल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल होता है हमारा मस्टर्ड और आर्जिमोन होता है इसका जो होता है। और फिर इसके बाद क्या है हमारा सेंट्रल, और हम इसके आगे वाला प्रेजेंटेशन देते हैं। व्हेन द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन सेंट्रल, हमारा इसमें जो होता है प्री सेंट्रल के बारे में बताया गया, जब हमारा ओव्यूल होता है वो सेंट्रल पे बॉर्न होता है एंड सेप्टा आर अब्सेंट, और उसमें जो होते हैं सेप्टा जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, सेप्टा नहीं पाए जाएंगे। ओव्यूल जो होगा हमारा कहाँ पे सेंट्रल पे बॉर्न होगा, सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होगा, तो उसमें सेप्टा अब्सेंट होंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है डायंथस एंड प्रिमरोज में जो होता है प्लेसेंटेशन जो होता है हमारा वो प्लेसेंटेशन जो होता है हमारा वो प्री सेंट्रल होता है, डायंथस में होता है, डायंथस और प्रिमरोज में जो हमारा प्लेसेंटेशन होता है वो प्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, डायंथसन प्रिमरोज में जो प्लेसेंटेशन होता है हमारा वो फ्री सेंट्रल होता है। और इन बेसल, इन बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है हमारा, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवेरी, है ना, जो हमारा प्लेसेंटा डेवलप होता है ओवेरी की बेस पे डेवलप होता है एंड ए सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, और इसमें एक सिंगल ओव्यूल जो होता है वो अटैच होता है। ये हमारा इसमें किस में पाया जाता है, ये सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में पाया जाता है, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में पाया जाता है हमारा कौन, बेजल प्लेसेंटेशन, बेजल जो होगा हमारा, बेजल जो होगा हमारा वो सनफ्लावर में,
सनफ्लावर में और मेरीगोल्ड में पाया जाता है। हमारा मेरीगोल्ड और सनफ्लावर में हमारा ये हमारा बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अब हमको जो फिगर में दिखाया गया था, फिगर देख लेते हैं हम। जो हमारा जो था हमारा फर्स्ट जो हमको दिया गया था, ये हमारा मार्जिनल का दिया गया था हमको। फर्स्ट जो था मार्जिनल का दिया गया था, ये हमारा जिसमें कि पी में पाया जा रहा था, है ना। और ये हमारा जो था एक्साइल का दिया गया हमको। सेकंड जो था ये एक्साइल का था। और जो हमको सी दिया गया था, ये पैराइटल का था। सी जो था हमारा, ये हमको दिया गया है, ये हमारा पैराइटल का है। सी जो हमारा ये पैराइटल का है, जिसमें कि आर्जिमोन और मस्टर्ड में पाया जा रहा था, ठीक है। और ये जो हमको दिया गया है डी वाला जो दिया गया हमको, ये फ्री सेंट्रल का दिया गया हमको, है ना। ये वाला हमको जो फ्री सेंट्रल में, इसमें कोई सेप्टा नहीं है, सेप्टा जो है अब्सेंट है, ठीक है। ये हमारा किसमें था, टमाटो में था, लेमन में था, है ना। और ये हमको जो लास्ट दिया गया हमको, ये वेजल का दिया गया है। लास्ट वाला जो है ये हमारा वेजल का जो एग्जाम्पल था सनफ्लावर और मेरीगोल्ड था हमारा। सनफ्लावर और मेरीगोल्ड था। अब इसके लिए हम अगर ट्रिक देखें, है ना, इसके लिए अगर हम ट्रिक देखें तो क्या है, तो हमने जो देखा था मार्जिनल वाला तो हमने देख लिया था। यम से हमारा मार्जिनल होता है, यम से हमारा पी में पाया जा रहा था, है ना। तो पी जो बोलते हैं इसको मटर बोलते हैं। तो हमने इससे मार्जिनल से मटर से इसको याद कर लिया था। उसके बाद हमारा क्या था, एक्साइल था। एक्साइल हमारा किस में पाया जा रहा था, एक्साइल हमारा पाया जाता है चाइना रोज, टमाटो, लेमन में पाया जा रहा था। यानी चाइना रोज, टमाटो, लेमन में हमारा जो था ये पाया जा रहा था एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो हम इसको इससे भी याद कर सकते हैं, TLC अभी हमने आपको बताया था। हमारा जो एस्टिवेशन में भी था, हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन में TLC के बारे में हमें बताया था। तो इसमें हमारा जो था एक्साइल प्रेजेंटेशन में हमारा TLC हो जाएगा, यानी चाइना रोज, टमाटो और लेमन में हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा पैराइटल। तो हमारा पैराइटल होता है, पैराइटल किस में पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है मस्टर्ड और आर्जिमोन में। और हम ये ट्रिक किसके लिए बना रहे हैं, ये पैराइटल के लिए बना रहे हैं। तो हम इससे याद कर लेंगे मैप, यम से हो गया हमारा मस्टर्ड, ए से हमारा हो गया आर्जिमोन हो गया हमारा, और ये पी से हमारा हो गया पैराइटल, है ना। यानी हमारा ये पैराइटल के लिए ट्रिक हो गई। मैप मैंने आपको एक और बताया था इस मॉर्फोलॉजी में, मोनोकॉट में एडवेंटेड या रोज फैलरबेनेशन, ये उससे भी याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हमारा हो गया पैराइटल के बाद हो गया हमारा फ्री सेंट्रल के लिए क्या हमारा हो जाएगा। फ्री सेंट्रल हमारा जो था दो में था, है ना, किसमें था, डायंथस एंड प्रिमरोज, है ना, FDP, यानी फालतू डीपी, एफ से हमारा फालतू, डी से हमारा डायंथस और पी से हमारा प्रिमरोज। फ्री सेंट्रल का एग्जांपल हो गया फालतू डीपी, FDP, यानी फालतू डीपी हमारी, इसका एग्जांपल हो गया डायंथस एंड प्रिमरोज, इज द एग्जांपल ऑफ द फ्री सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन बेसल। जो बेसल होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है, बेसल जो हमारा होता है, बेसल प्रेजेंटेशन में हमारे जो होते हैं सनफ्लावर और मेरीगोल्ड होते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया क्या, MBS, ठीक है, MBS। यम से हमारा मेरीगोल्ड, बी से हमारा हो गया बेसल के लिए, यस से हमारा हो गया सनफ्लावर, जो हो गया हमारा MBS फॉर मेरीगोल्ड, यम फॉर मेरीगोल्ड, बी फॉर बेसल प्रेजेंटेशन एंड यस फॉर हमारा सनफ्लावर, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसल प्रेजेंटेशन के, यानी हमारे सारे प्रेजेंटेशन के बारे में हमने देख लिया और ट्रिक के साथ मैंने देख लिया कि। तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो और आपको ये वीडियो समझ आई होगी, है ना। इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक सर माई वीडियो विद फ्रेंड्स।
सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले अपने टॉपिक में, द फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे एंड आगे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्रूट के बारे में, और आगे जो हमारी NCERT में 3 फैमिली दी गई हमको, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, उन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट वी फर्दर मूव नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप यू लर्न दैट वीडियो। सो स्टे ट्यून विद मी एंड कीप सपोर्ट, वॉच द वीडियो टिल एंड लाइक शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव अ नाइस डे।